बचपन से ही हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और कुछ कहानियाँ हमें सिखाती हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। तो ये कहानी उसी मोरल स्टोरी की है। तो शुरू करें। ओके, 1 2 3। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी ऑलमोस्ट तैयार वगैरह हो गए और पीछे हमारे कैंप साइड और पीछे स्वर्ग रोहिणी भी दिख रही है, कितनी प्यारी। और ऐसा है कि यहाँ से ये पीछे जो चढ़ते हुए जा रहे हैं लोग, वहीं पे चढ़ना है वो वाला बैक पे। तो दो लोग वापस जा रहे हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था उन लोगों का, तो रिस्क नहीं लेना है इस वजह से। बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन लेवल तो मेरा भी थोड़ा सा कम था, लेकिन चढ़ जाएंगे अब तो। माइक्रो स्पाइक्स रेडी। आप देख लो, रेडी हो गए ये। पीछे वाले भी रेडी गैंग। एक्साइटमेंट लेवल हाई, वेरी हाई। चलो एक्साइटमेंट लेवल कितना है? हाई, फुल 100%। जोर से बोलो। जोर से नहीं बोल सकता ठंड की वजह से। हेलो, फुल टू एक्साइटमेंट, फुल्ली। आज फाइनली चले जाएंगे। यस, आगे चल रहा है ना, वही है। आगे से हम बीजू चल रहा है, ठीक है। बीजू सबसे आगे चलेंगे, ठीक है। बीच में मैं हूँ और संजय करके, संजय ना उसका नाम, संजय है। हम दो है और पीछे एक और गाइड है, ठीक है। पीछे से अभी हम चलेंगे, जो स्लो है ना उनको हम आगे लगाते हैं, ठीक है। वो आगे से चलेंगे, बाकी उन्हीं की स्पीड से हम चलते हैं, ठीक है। पास अब हो रहा है 6:30 तक हम शायद यहाँ से निकले, तो 9:30 तक हमने पास क्रॉस कर देना चाहिए, है ना, ठीक है। 2 घंटे में हो जाएगा, या 2 से 10 बजे तक मैक्स। 8:30 9:30 तो वो वैसे है, स्लोली चलेंगे आराम से ना। किसी को कुछ दिक्कत है तो रास्ते में बता देना हमें, ठीक है। और पानी और पैक लंच सबने ले लिया ना? हाँ, सबके पास है ना, ठीक है। पैक लंच जो खाने का है ना, अभी रास्ते के लिए ऐसा है कि अगर आप कुछ लग रहा है खाने का तो एक चॉकलेट खा सकते हो, ऐसा कुछ। वैसे पानी से हो जाता है ना, समिट पे है नहीं चांसेस कुछ खाने के लिए। जैसे हम नीचे उतरेंगे उसके बाद कुछ खा सकते हो आप, या तो कुछ हो तो पॉकेट में रख सकते हो आप इन रास्ते में निकाल के, ठीक है। तो एक छोटा प्रेयर करके हम चले, ठीक है। दो है ना, 30 सेकेंड का अब अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। चलो, हर हर महादेव। चलो, वे आर मूविंग। ये देखिए पीछे लोग आ रहे हैं अभी। एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल। टेंट हमारे छोटे से, और यहाँ भी हमारे सब और पूरा धूप निकली हुई है, फ्रेश रसोई हुई नहीं, प्यारी नजर आ रही है। अगर कुछ है तो बताना मुझे। हाँ, इंडिया का एवरेस्ट ही है ये भी। क्या बात है, सही है ये। ये हेलो नारायण जी। हेलो, हेलो, हाय, हैव अ लुक। क्या बॉस, कहाँ पे पहुंच गए देखना चाहोगे? चारों तरफ, थोड़ा सा और ऊपर जाना है, वो रिज, वो ही बाली पास है। थोड़ा सा 20 मिनट्स या 30 मिनट का रह गया है और
ये लोग सब पीछे वेट कर रहे हैं। जन्नत भाई साहब, इसके आगे सब फेल, सब। We've reached Bali Pass. लड़के के चेहरे में खुशी देख रहे हो। रामायण के टाइम पर बाली, जो कि किंग ऑफ मंकी थे, द गाय हु डिफीटेड इवन रावण, उन्होंने यहीं पर आकर एक डीमन जिनका नाम उडारी था उनको मारा था, और यहीं पर आकर उन्होंने राज भी किया था। इसी वजह से यहाँ पर इस जगह का नाम बाली पास ट्रैक रखा गया है। बाली पास समेत अर्जुन, ठीक है। और ये देख रहे हैं वहाँ पे जो दो पीक है वो बंदर पूछ है, और यहाँ पे पीछे है ब्लैक पीक, स्वर्ग रोहिणी और मिस्टर अर्जुन समेत करते हुए। तो अब लोग ये नीचे जा रहे हैं, और बाली पास का सबसे टफ जो पार्ट है वो डाउन जाना होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट सीधा नीचे जाना है, तो टफ पार्ट है ये। सो अभी ये लोग सब जा रहे हैं, देखो। एंड ये सब काफ़ी टफ पार्ट है, क्योंकि यहाँ से अगर हल्का सा भी गिरे तो पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। ये लोग अभी जा रहे हैं, देखो, काफ़ी टफ हो रहा है। और पीछे से ऊपर से वहाँ से हम आए थे पूरा, देख अभी ये 20 फीट जितना है, इतना लग जाए तो बस ये वाला पैच है, फिर उतरते ही बस, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट उतरना है ना। गाइस आर कमिंग, और आगे भी वो, और यहाँ से स्लाइड करते हुए जाएंगे, अभी और आगे तक जाना है। क्या ही ट्रेल है भाई, क्या ही अलग ही दुनिया है। गाइस लेट्स रॉक, रफ्तार बनने वाले बहुत। अब स्लाइडिंग वगैरह के पार्ट, टफ पार्ट के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे, अभी भी काफी चलना है। अब देखो ये एक और ट्रिकी सेक्शन था, और लौट के दोबारा यहाँ पे आ गए। हमारी ठीक है, ये रहा यमुनोत्री और इसके ऊपर रहा सप्तऋषिकुंड। ओके, कितनी दूर रह गए, मतलब बस ये लगा लीजिए यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा कैंप तक। ये देख रहे हो आप, ये रोप पूरी, ये अभी सिर्फ मैं और आकाश दो बंदे ही यहाँ पाए हैं, और पूरा स्ट्रेट है ये, यही सबसे टफ पार्ट है। और इधर साइड अब हमारे कैंप्स होंगे, और वहाँ ही पे वो जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा वो यमुनोत्री मंदिर है, होपफुली कि कल जाएं। बाली पास को क्रॉस करने के बाद 3 से 4 घंटे ट्रैक करने के बाद हमें मिला सबसे टफेस्ट डिसेंट इन इंडिया, जो कि बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड जाना था, रोप से स्ट्रेट उतरना था। और ट्रैक करते करते हमें अपनी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल रेनबो देखने को मिला, यही तो बेस्ट पार्ट होता है ना एक ट्रैक का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो लोअर धामनी है ये, और कल रात कुछ भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि
कम से कम हमें 15-16 hours लगे। सुबह 7 बजे हम निकले और रात को 9 बजे करीब हम पहुँचे, और कुछ लोग लास्ट में आके 11 बजे तक भी पहुँचे हैं। तो काफ़ी मतलब टफ रहा ये, और आई थिंक पास क्रॉस करना और नीचे उतरना, ये जो ये वाला डे होता है यही सबसे टफ होता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। तो अभी ऐसा है कि यमुनोत्री धाम यहीं से निकलता है, तो कुछ लोग शायद यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे देहरादून, कुछ लोग यमुनोत्री जाएंगे। तो अभी प्लान कुछ अजीब सा हो रहा है कि कुछ लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मेरे को तो जाना है, तो वहाँ तक की जर्नी दिखाएंगे आपको, और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस जो लोगों के होंगे वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यार समिट का एक्सपीरियंस अलग ही था। आई 4 साल बाद ट्रैक कर रहा था, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ये हो गया। ऊपर जब समिट पे गए तो मैं तो रोने ही लग गया था। दैट वाज अ वेरी सरियल मोमेंट फॉर मी। व्हाट अबाउट यू? या सेम हियर, समिट मोमेंट काफ़ी इमोशनल था। सब लोग चढ़ गए जो जितने भी कर पाए, बट अब तक लगता था कि सबसे टफ लाइफ में सीए पास करना था। अब से मैं किस कोई भी पूछेगा लाइफ में सबसे टफ क्या था, तो डिसेंट जो होता है बाली पास का वो ही था, और जो हम रात को पहुँचे वो पूरा दिन वही सबसे डिफ़िकल्ट था। आप मज़ा आ गया? ये ट्रैक एक्चुअली एक्सपीरियंस लोगों को करना चाहिए, तो थोड़ा टफ तो है ही ऑब्वियसली। डिसेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया एक्चुअली, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है। मतलब सुबह 6 बजे हम लोगों ने चालू किया था और 9:30 बजे लोग पहुँच रहे हैं, मैं तो 11 बजे के बाद भी पहुँचा था। बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। अब तक मैंने जितने भी ट्रैक किए हैं उसमें से कठिन यही ट्रैक था। हमें लगता था कि वो ट्रैक पूरा होने के बाद इजी होगा, लेकिन चढ़ने से ज़्यादा तो टफ उतरने में हुआ, बहुत मुश्किल था। मैंने भी पिन पार्वती पास किए है, परांगला किया है। वैसे वो लेंथी ट्रैक है, लेकिन डिफ़िकल्टी के लेवल से ये ट्रैक ज़्यादा कठिन था। जैसे अंकल ने बताया, चढ़ना जितना कठिन था उससे भी ज़्यादा उतरना कठिन है। और मैं तो बस यही बताऊंगा कि अपने दुश्मन को आप गाली नहीं दो, उसको ये बोलो कि बाली पास कर लो। ये गाली से भी ज़्यादा तुमने उसको मतलब बोल दिया। हाँ, मैं किशन पटेल हूँ। ये मेरा लाइफ में लास्ट ओवर ट्रैक होगा, क्योंकि इतना कठिन है। अभी 16 ईयर ओल्ड हूँ, लास्ट गए ये, और बहुत कठिन था। बाकी बहुत हमने कैलाश मानसरोवर किया है, उससे भी कठिन लगा रहा है। गवर्नमेंट से किया था 1 महीने तक, फिर भी इससे बहुत कठिन लगा ये। जिग्नेश भाई, मेरा नाम जिग्नेश पंडित है। बाली पास का ट्रैक वाकई बहुत ही टफ रहा, और टफ तो था ही वैसे भी ट्रैक, मगर मौसम 3-4 दिन भी मौसम बारिश स्नोफॉल इतना हुआ तो ट्रैक और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ये भी ट्रैक मेरे करने के बाद मैंने भी यही सोचा है कि ये मेरा लास्ट ही ट्रैक होगा। इसके बाद फिर भी बहुत मजा आया, नेचर को एंजॉय करने के लिए और भी रास्ते हैं, फिर भी मजा तो आया। नहीं, डिफिकल्टीज वेदर की वजह से थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टीज हो गई, हमने स्नोफॉल देखे, बारिश बच गया आधा घंटा 1 घंटा स्नोफॉल हुआ, नहीं तो सब खत्म हो जाते। और पूरा रास्ता स्लीपर हो गया था ना, इसकी वजह से थोड़ा टफ हुआ। कल रात को हम 9-10 बजे तक पहुंचे कैंप साइट पे, बाकी लोग तो 10:45 में पहुंचे। वैसे ट्रैक डिफिकल्ट है, बढ़िया है, ऐसा नहीं है। ट्रेल सभी सीनरी नेचर सभी बढ़िया है, मगर ये मौसम की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट और ज़्यादा हो गया। इस कहानी का द मोरल स्टोरी यही है कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आप में कितनी कैपेसिटी है। जहाँ हम पिछले 7 दिनों से भी ज़्यादा चलते रहे, बारिश में चले, स्नोफॉल्स में चले, टेंट्स में रहे, कोई वापस भी गया, किसी को बुखार चढ़ा, कोई चलने में भी स्ट्रगल आई, किसी के शूज़ टूट गए, किस लिए? सिर्फ वो एक मोमेंट के लिए। अगर हम वापस चले जाते तो शायद ये स्टोरी मैं आपको नहीं सुना रहा होता। ज़िंदगी में कुछ पाने का प्राइस है, अब वो आपको सोचना है कि वो प्राइस देने के लिए आप रेडी हो कि नहीं। छोटी सी हाइक के बाद वोरा टेंपल, वहीं पे जाने वाले हैं। कहा जाता है कि यहीं से यमुना नदी की शुरुआत होती है, एंड इसके पीछे की कहानी क्या है? तो यमुना जी ने ही यहाँ सालों साल तपस्या की
और उनकी यही तपस्या देखकर उनके भाई यम ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना जी ने बोला कि कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं मरना चाहिए। तब यम ने एक ग्लेशियर को पिघलाकर यमुना नदी का निर्माण किया। भैया दोज के अवसर पर यमुना नदी में डुबकी लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। बस फिर क्या था, हम निकल गए वापस एक लाइफ टाइम एडवेंचर को कंप्लीट करके। और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, अनटिल देन बाय बाय।